समयपुर गांव में जंगल के पास एक पेड़ के नीचे एक फकीर अपने दो चेलों के साथ रहता था। वो बहुत ही बेईमान और शातिर फकीर था। वो अपने शातिर दिमाग से बेचारे गांव के लोगों को लूटता था। एक दिन, फकीर बाबा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बाबा। फकीर अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, तभी उसका एक चेला आमिर बोलता है, अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? बाबा, ये फकीर बाबा अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? आप इनको बोलिए कि मेरी परेशानी का हल ढूंढे और मेरी मदद करें। बेटा, फकीर बाबा तो अभी ध्यान में, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। बाबा, बाजार में मेरी एक चाय की दुकान है। पहले तो मेरी दुकान पर बहुत ग्राहक आते थे, लेकिन जब से मेरी दुकान के सामने उस बिरजू ने अपनी चाय की दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है, जिसकी वजह से कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मदन की बात सुनकर फकीर अपनी एक आंख खोलता है और आमिर को इशारा करता है कि तभी आमिर अपने झोले में से बबूत की पुड़िया निकालता है और मदन को दे देता है। ले बेटा ये बबूत ले और इस बबूत को अपने घर के द्वार पर डाल दिया, जिससे तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाबा, सच में इससे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? हाँ बेटा, तू परेशान मत हो, तू देखियो आज रात को ये डालने से ही तेरे घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगी रहेगी। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरी ये चांदी की अंगूठी रख लीजिए, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं 3-4 दिन में ही आकर इसे वापस ले जाऊंगा और आपको आपकी दक्षिणा दे जाऊंगा। ऐसा कहकर मदन वहां से चला जाता है। मदन के जाते ही फकीर अपनी आंखें खोल लेता है। अरे ओए आमिर, इस मदन की दुकान का कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ इस गांव में रहना है तो हमें इस गांव के लोगों का दिल जीतना होगा। उनके दिल में हमें अपनी जगह बनानी होगी, जिससे यहाँ के लोग हम पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। मालिक, आप सही कह रहे हो, हमें उस मदन की दुकान की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आमिर और अहमद, तुम दोनों जाओ और मदन की दुकान के सामने जो दुकान है उस दुकान में तुम आग लगा दो, जिससे वो दुकान बंद हो जाएगी और सारे ग्राहक मदन की दुकान पर जाएं। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो, हम उस आदमी की दुकान को जला देंगे, जिससे मदन की परेशानी खत्म हो जाएगी और गाँव के लोगों के मन में भी हमारा भरोसा और बढ़ जाएगा। फकीर के बोलते ही उसके दोनों चेले अहमद और आमिर मदन की दुकान के सामने वाली बिरजू की दुकान को जला देते हैं। अगले दिन मजा आ गया, आज तो हमारी दुकान पर ग्राहकों की बहुत भीड़ थी और सारी चाय भी बिक गई। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, आज तो हमारी सारी चाय बिक गई। लगता है ये सब उन फकीर बाबा की उस बबूत की वजह से हुआ है। आज शाम को ही मैं फकीर बाबा के पास जाकर उनको इस धन में से कुछ हिस्सा दे आऊंगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। दुकान चलने की वजह से मदन बहुत खुश हो जाता है और शाम को ही फकीर की दरगाह पर जाता है। फकीर बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लेकिन बाबा, मुझे ये समझ नहीं आया कि रात ही रात में उस बिरजू की दुकान जल कैसे गई। अरे बेटा, वो सब उनके कर्मों का फल है। वैसे तूने देखा फकीर बाबा का कमाल, उनकी दी हुई बबूत से ही देखो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, फकीर बाबा बहुत ही अंतर्यामी है, इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। फकीर बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज की कमाई से ये कुछ धन आपके लिए लेकर आया था, आप ये धन रख लीजिए। मदन के हाथ में इतना सारा धन देखकर आमिर और अहमद एक दूसरे को खुश होकर देखते हैं। अरे बेटा, ये धन तुम यही फकीर बाबा के आगे रख दो, अभी फकीर बाबा ध्यान में है। मदन वो धन फकीर के आगे रख देता है।
और वहां से चला जाता है। तभी आमिर फकीर से बोलता है, मालिक अपनी आंखें खोल लीजिए, वो मदन चला गया है। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा पैसा। देखा आमिर और अहमद, तुम दोनों ने देखा कैसे मैंने इस मदन को बेवकूफ बनाया है। वैसे मालिक, हमने उस बिरजू के साथ अच्छा नहीं किया, उस बेचारे की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको ये सब परेशानी सहनी पड़ी। अरे मूर्खो, हम ये दौलत कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस मदन की जगह वो बिरजू आता तो मैं उसकी दुकान चला देता। हमें तो अपने फायदे से मतलब है, मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब फकीर बाबा के कारनामों की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। सबको अब फकीर पर भरोसा होने लगा। सब लोग अब फकीर की दरगाह के बाहर अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए लाइन लगा कर खड़े रहते। एक दिन, अरे फकीर बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों? बाबा के आगे अपनी परेशानी बताओ, बाबा तुम्हारी हर परेशानी को पल भर में ही ठीक कर देंगे। फकीर बाबा, मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उसने घर में से हमें हमारा हिस्सा देने से भी मना कर दिया है। मुकेश की बात सुनकर फकीर अपने मन में बोला, अरे वाह, दौलत में हिस्सा, इसका मतलब इस मुकेश के पास तो बहुत सारा पैसा है। मुझे कुछ ना कुछ करके इस मुकेश को इसका हिस्सा दिलवाना होगा, जिससे ये उस धन में से हमें भी कुछ धन दान में दे दे। फकीर धीरे से अपनी आंख खोलता है और आमिर को इशारे से बोलता है, अरे बेटा तुम परेशान हो रहे हो, अब तुम फकीर बाबा की दरगाह में हो, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुम एक काम करो, तुम ये अपने बड़े भाई को बबूत खाने में मिलाकर दे देना, देखना इसके खाते ही वो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। क्या सच में बाबा, वो सारी दौलत मेरी हो जाएगी? लेकिन बाबा, मेरे बड़े भाई बहुत कंजूस इंसान है, वो मुझे उस दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अरे बेटा, तुझे बाबा पर भरोसा नहीं है? नहीं बाबा, मुझे फकीर बाबा पर बहुत भरोसा है। आपने जैसे उस मदन की मदद की है, वैसे ही आप मेरी भी मदद कीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को कहां लेकर जाऊंगा। अरे बेटा, तू ये बबूत लेकर जा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, देखना कैसे ये बबूत अपना कमाल दिखाती है। बाबा, अगर मेरे भाई ने मुझे हिस्सा दे दिया तो मैं आपको बहुत अच्छी दक्षिणा दे दूंगा। अहमद से भभूत लेकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। अरे मालिक, हमने उस बिरजू की दुकान चलाई थी, इसीलिए उस मदन की दुकान चल रही है, लेकिन हम इसके भाई से इसे दौलत कैसे दिलवाएंगे? हाँ मालिक, ये आमिर सही कह रहा है, हमने मुकेश को बोल तो दिया है कि उसकी परेशानी सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन हम कैसे इस मुकेश की परेशानी को ठीक करेंगे? वो दोनों ये बोल ही रहे होते हैं, तभी जंगल के रोड से एक ट्रक जा रहा होता है। उस ट्रक को देखकर फकीर हंसने लगता है। अरे मालिक क्या हुआ, आपको हम आपसे परेशानी का हल पूछ रहे हैं और आप ऐसे हंस रहे हो? अबे तुम दोनों आखिर कैसे मेरी टीम में शामिल हो गए हो? तुम दोनों मूर्ख आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए। फकीर की बात सुनकर आमिर अहमद की तरफ देखता है। सुनो, मैं जैसे तुम दोनों को बताता हूँ तुम दोनों वैसा ही करना। फकीर आमिर और अहमद के कान में सारी तरकीब बता देता है। तरकीब सुनकर आमिर और अहमद भी फकीर के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। मालिक आपका तो जवाब ही नहीं, मालिक हो तो आप जैसा। फकीर के कहे अनुसार आमिर और अहमद मुकेश के बड़े भाई का ट्रक से एक्सीडेंट कर देते हैं, जिस वजह से वो कोमा में चला जाता है। कुछ दिन बाद, फकीर बाबा, मेरे बड़े भाई का कुछ दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वो कोमा में चले गए। फकीर बाबा, आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? बेटा ये सब तो तेरे भाई के कर्मों का फल है, जैसा उसने किया वैसा ही उसने भोगा। लेकिन बाबा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ हो, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं तो बस उनसे अपना हक लेना चाहता था। मुकेश की बात सुनकर फकीर अपने आप से बोलता है, वैसे तो इसे अपने भाई से हिस्सा चाहिए था, और अब जब मैंने इसे पूरी दौलत का मालिक बना दिया तो इसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बेटा, तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल ही गया है, और वैसे भी तेरे भाई के साथ जो हुआ वो तेरे भाई के कर्मों का फल है। तू अब ज्यादा परेशान मत हो, फकीर बाबा के आगे उनकी दक्षिणा रख दे। मजा आ गया, अभी ये तो बहुत सारा धन देगा क्योंकि मैंने इसका काम जो किया है। फकीर बाबा, आमिर और अहमद बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मुकेश उन्हें अपनी दौलत का कुछ हिस्सा देगा।
फकीर बाबा अभी अभी अब ये ले लो, जब मेरे बड़े भाई ठीक होंगे तो मैं आपको खुशी से बहुत अच्छी दक्षिणा देकर जाऊंगा। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। तभी उन चंद पैसों को देखकर आमिर और अहमद गुस्सा हो जाते हैं। मालिक, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया इसका हिस्सा दिलवाने के लिए और इस मुकेश ने बस हमें ये चंद पैसे ही दिए। ये लोग ऐसे ही होते हैं, पहले तो अपनी परेशानियों को लेकर रोते हैं और जब इनकी परेशानी दूर कर दो तो ये लोग बस ये चंद पैसे ही देकर चले जाते हैं। हमने अपनी जान पर खेलकर इसके भाई का एक्सीडेंट करवाया और इसने बस हमारे मुंह पर ये चंद पैसे ही फेंके। मुकेश की इस हरकत पर वो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मालिक, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसका भी इसके भाई जैसा हाल कर दूं। नहीं नहीं, ऐसा तुम लोग कुछ मत करना। और हाँ, अब आगे से ध्यान रखना कि अब की बार जो भी हमारे पास अपनी परेशानी लेकर आएगा तो तुम दोनों उनसे पहले अपनी दक्षिणा ले लेना। मुकेश के भाई की खबर गांव भर में फैल जाती है कि तभी कुसुम, जो कि उस गांव की सबसे पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, अपनी माँ से बोलती है, माँ तुझे नहीं लगता ये सब कुछ अटपटा हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वो बिरजू भैया की चाय की दुकान रातों रात जल गई, अभी मुकेश भैया के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। अरे बेटी, ये सब तो उनके कर्मों का फल है। मैंने सुना है जो वो जंगल के पास फकीर है ना, उन्होंने बताया कि ये सब जो इन दोनों के साथ हुआ वो इन दोनों के कर्मों का फल है। क्या फकीर बाबा? हाँ बेटी, वो फकीर बहुत अंतर्यामी है, उसके पास जाते ही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। क्या माँ, तू ये किन अंधविश्वासों में फंस रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तू ज्यादा ही पढ़ लिख गई, तू क्या हम लोगों को गंवार समझती है? तुझे क्या लगता है ये सब बेकार है? माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। माँ, ये फकीर बाबा और साधुओं में मैं विश्वास नहीं रखती। तुझे क्या पता कि फकीर बाबा कितने अंतर्यामी है? तुझे पता है वो मदन भी उस दिन फकीर के पास ही अपनी परेशानी लेकर गया था, और देख अब उसकी दुकान कैसे चल रही है। माँ की बात सुनकर कुसुम अपने आप से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये जो लोग भी उस फकीर बाबा के पास अपनी परेशानियाँ लेकर जाते हैं, उन लोगों के साथ या फिर जिससे उन्हें परेशानी है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा क्यों हो जाता है? मुझे इस फकीर बाबा पर नजर रखनी होगी। अगले ही दिन कुसुम अपना मोबाइल लेकर जंगल में उस फकीर बाबा की दरगाह के पास जाकर चुपके से वहां की वीडियो बनाती है। कि तभी वहां एक औरत आती है। फकीर बाबा मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरी, मैंने सुना है आप सबकी परेशानियाँ दूर कर देते हो, बाबा मेरी भी परेशानी दूर कर दीजिए। अरे बेटी, बाबा भी ध्यान में है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? बाबा, मेरे पति कोई काम धंधा नहीं करते हैं, रोज रात को पी कर आते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, मैं अब उनसे परेशान हो गई हूँ, बाबा आप कुछ कीजिए जिससे वो ठीक हो जाए। उस औरत की बात सुनकर फकीर अपनी आँख खोलता है और अहमद से बोलता है, अरे बेटी को तुम वो भभूत दे दो। फकीर की बात सुनकर अहमद अपने झोले में से भभूत की पुड़िया निकालता है और उस औरत को दे देता है। बेटी, ये भभूत ले जाओ और ये रात को अपने पति को खाने में मिलाकर खिला दियो, देखियो सुबह तक तेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बाबा, सच में ऐसा ही होगा? हाँ बेटी, ऐसा ही होगा, तू बस इस फकीर बाबा पर भरोसा रख, फिर तू इसके इस भभूत का कमाल देख। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं, उधर कुसुम इन सब की अपने मोबाइल में वीडियो बना रही होती है। वैसे आखिर इस भभूत में ऐसा क्या है जिससे इस सबकी परेशानी ठीक कर देती है? ठीक है बाबा, मैं भी जाती हूँ और रात को ही उनको ये खिला दूंगी। अरे बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ बाबा की दक्षिणा तो देती जा। बाबा भी मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो बेटी, ये जो तेरे कानों के हैं यही यहाँ रख जा, क्योंकि अगर इस भभूत को कुछ भेंट नहीं दी तो ये काम नहीं करती है। आमिर से ऐसा सुनकर वो औरत अपने कानों के टॉप्स निकाल कर वहीं फकीर के आगे रख देती है और वहां से चली जाती है। उस औरत के जाते ही अहमद फकीर से बोलता है, अरे मालिक, हम इसके पति की शराब कैसे छुड़वाएंगे, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, वो भी एक रात में ही। हम वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे,
जैसे हमने उस बिरजू की दुकान को जलाया था और उस मुकेश के भाई का ट्रक से एक्सीडेंट करवाया था, बस वैसे ही हम इसको भी लाइन पर ले आएंगे। उन तीनों की बात सुनकर कुसुम हैरान हो जाती है। मतलब मैं जो इन लोगों के बारे में सोच रही थी वो सब सही था। ये कोई फकीर नहीं है बल्कि एक ढोंगी फकीर है। अब मुझे इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए और सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिससे मैं गांव वालों के सामने इनकी सच्चाई रख सकूं। हम आज रात को ही इस औरत के आदमी को ठीक करने चलेंगे। अब मुझे रात तक इंतजार करना होगा, पता तो चले कि आखिर ये लोग उस आदमी के साथ करने क्या वाले हैं। रात होते ही वो तीनों उस औरत के घर जाते हैं और कुसुम भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। उन लोगों की वीडियो बनाती है। अरे अहमद और आमिर, यही उस औरत का पति है, चलो अपना काम करते हैं। वो तीनों के तीनों मिलकर उस आदमी के मुंह पर एक कपड़ा बांध देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। अरे छोड़ो मुझे, कान है। अरे कान है, क्यों मार रहे? अरे 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 छोड़ो मुझे, अरे कान है ना, छोड़ो। अबे सुन, अगर तूने किसी को बताया कि तुझे किसी ने मारा है तो हम तेरा इससे भी बुरा हाल कर देंगे। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले कि अगर तूने आज के बाद अपनी बीवी को मारा या फिर तूने उसे परेशान किया तो देख बेटा हम तेरा क्या हाल करते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अबे कौन था जिसने मुझे मारा? अच्छा, तो ये सब इन लोगों की करतूत है। बिरजू भैया की दुकान भी इन लोगों ने ही चलाई और मुकेश भैया का एक्सीडेंट भी इन लोगों ने ही किया, और अभी इस आदमी के साथ भी। मुझे सबूत अब कल सुबह सेठ जी को जाकर दिखाने होंगे, जिससे इन लोगों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही वो सबूत लेकर सेठ के घर जाती है और उसे उन तीनों के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा तो कुसुम बेटी, ये सब जो इन लोगों के साथ हुआ वो सब इन ढोंगी फकीरों का काम है बेटी, इन लोगों का तो पर्दाफाश करना ही होगा। सेठ दारोगा को फोन करके बुला लेता है और गांव वालों को इकट्ठा करके उस ढोंगी फकीर की दरगाह पर जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर हमने किया क्या है? मैं एक फकीर हूँ, तुम हमारे साथ ये सब नहीं कर सकते हो। तू फकीर है या फिर एक ढोंगी फकीर है बेटा, तेरे खिलाफ तो मुझे पूरे अच्छे खासे सबूत मिले हैं कि कैसे तू बेचारे सीधे साधे लोगों को ठगरा है, और कैसे तूने उस बिरजू की दुकान को चलाया, और कैसे तूने इस मुकेश के भाई का ट्रक से एक्सीडेंट कराया। दरोगा की बात सुनकर फकीर और उसके दोनों चेले हैरान हो जाते हैं। तभी फकीर बोलता है, नहीं नहीं, ये सब हमने नहीं किया, हमें छोड़ दो, ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। बेटा मेरे पास इसका पूरा सबूत है, कैसे तूने वो सब किया है, ये देख इसमें। दरोगा कुसुम के मोबाइल में वो वीडियो उन तीनों को दिखाता है। बता अब ये झूठ बात है के? तुझे क्या लगा कि तू इन लोगों को लूटता रहेगा और हम लोगों को पता नहीं लगेगा है? दरोगा तुम इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ। दरोगा उन तीनों को पकड़ कर थाने में ले जाता है कि तभी सेठ कुसुम से बोलता है, अरे कुसुम बेटी, अगर आज तूने ये सब नहीं किया होता तो हम लोगों को इस ढोंगी फकीर की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता, और ये न जाने हमारे इस गांव के कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता। गांव के सभी लोग कुसुम का धन्यवाद करते हैं।